India produced little to no defense equipment. Today, it is on the road to becoming self-reliant, or what we call Atmanirbhar. The Indian Army is aiming to completely cut off imports of ammunition by the next financial year. We are talking about 2025. India जो है वो ये सोच रहा है कि वो weapons export करे और Prime Minister Modi जो हैं वो उन्होंने ये इस बात को कहा है कि इस हवाले से वो उनका आपको पता है कि एक प्लान भी है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव भारत का कि इंडिया के पास ऐसी क्या चीज़ है कि वो अपने एक्सपोर्ट को इंडिया को समझ आ गई कि किसी भी मुल्क की तरक्की एक्सपोर्ट के बगैर मैं खुद की मैन्युफैक्चर के बगैर नहीं है इसीलिए मोदी अपने मैन्युफैक्चर के ऊपर काम कर रहा है कि जैसे मेड इन इंडिया हर साल के अंदर 1 ट्रिलियन को टच करती है एक्सपोर्ट पाकिस्तान कब पहुँचेगा अपने एक्सपोर्ट कब समझ में आएगी जो कि हमारे हुक्मरान है क्योंकि चाइना जो है चाइना इज स्पेंडिंग मनी ऑन डिफेंस एंड वी आर ऑल्सो स्पेंडिंग हमने भी बहुत डिफेंस का बजट बढ़ाया है पहले से लेकिन अगर टू फ्रंट वॉर हमें लड़ना है दोस्तों मैं इस चीज का बहुत बड़ा सपोर्टर हूं अगर हमें टू फ्रंट वॉर लड़ना है और हमें जीतना है साइमल्टेनियसली क्योंकि चाइना देखिए चाइना बड़ा चालू है इस मामले में खुद की नेवी तो बढ़ा रहा है वो पाकिस्तान को भी दे रहा है कि तुम यहां से तंग करना हम यहां से तंग करेंगे तो भारत को टू फ्रंट वॉर लड़ना पड़ेगा किसी ना किसी दिन अगर भारत और चाइना की सीधी झड़प हो जाती है पाकिस्तान इन्वॉल्व होगा क्योंकि पाकिस्तान जो है क्लाइंट स्टेट है पाकिस्तान को तो जी हुजूर करना है उसको सलूट मारना है चाइना को उसने पैसे पकड़ रखे जिसके ऊपर भारत बड़ा स्ट्रांगली काम भी कर रहा है तो ये जरा देखना है कि क्या इंडिया वाकई ही एक्सपोर्ट कर सकता है या इंडिया इस पोजीशन में होगा कि वो वेपन सेल कर सके क्योंकि COVID-19 में तो इंडिया ने वैक्सीन तो एक्सपोर्ट की है और वैक्सीन में चाइना का मुकाबला भी किया है तो अभी क्या अल्टरनेट बन सकता है चाइना का ये एक बड़ा सीरियस क्वेश्चन है और जय हिंद दोस्तों भारतीय डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक बयान आया कल का ही बयान है जिसमें भारतीय डिफेंस मिनिस्ट्री यह कहती है कि 2025 तक भारत जो एमोनेशन का सामान खरीदता है वो जीरो हो जाएगा इट मींस कि 100% एमोनेशन भारत खुद बनाएगा एमोनेशन क्या होता है बेसिकली मैं बता दूं आप लोग अगर एक गन होती है और एक उसमें बुलेट होती है ठीक है तो जो गन है वो आर्म्स है लेकिन जो बुलेट है वो एमोनेशन है तो वही एमोनेशन भारत खुद में बनाएगा जैसे तोप है तो तोप जो है वो आर्म्स है लेकिन जो उसमें गोले यूज होते हैं वो क्या है एमोनेशन इसी तरीके से मिसाइल में भी जो मिसाइल का आउटर सरफेस है टेक्नोलॉजी है वो सब आर्म्स है लेकिन उसमें जो विस्फोटक प्रयोग होता है वो जो है एमोनेशन है तो ये जो एमोनेशन है अभी तक जो है 2024 तक भारत 65-70% अपने देश में बनाता है ठीक है 35% हम रूस और यूएसए और तमाम देशों से खरीदते हैं लेकिन डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना है क्योंकि हमारे पास इतनी फैक्ट्रीज हैं इतने वर्कर्स हैं इतनी टेक्नोलॉजी है कि अब हम 100% एमोनेशन भारत में ही बनाएंगे भारत में रोजगार बनेगा और एक सेल्फ रिलायंस की जो फीलिंग है आत्मनिर्भर की जो फीलिंग है वो अनमैचेबल है सो 2025 से 100% एमोनेशन भारत खुद बनाएगा बनाने के साथ साथ जब बनाएगा तो दुनिया को भी सेल करेगा तो इससे क्या होगी यार अभी तक हमारी जो इमेज थी वो सिर्फ और सिर्फ 100% सामान हम खरीदते थे बेचने की हमारे पास जो कैपेबिलिटी थी वो पता नहीं क्या नहीं दिखती थी लेकिन ठीक है लेकिन इससे बेचने की कैपेबिलिटी भी दिखेगी तकरीबन जो मैंने थोड़ी रिसर्च की तो तकरीबन 152 जो डिफेंस आइटम्स हैं वो इंडिया बेचना चाहता है फ्रेंडली कंट्रीज को जिसमें वो जो तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट है वो भी है ध्रुव एंड रुद्रा चॉपर्स हैं और फिर लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं और इसके अलावा भी कुछ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स भी हैं ब्रह्मोस जो हैं और इसके अलावा इनका एक आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है जो ये वाकई ही चाहते हैं कि बेचा जाए और इस हवाले से इंडिया ये प्लान कर रहा है कि जो इंडियन डिफेंस फुटप्रिंट्स हैं वो या जो चीजें बेची जाएं वो बांग्लादेश अफगानिस्तान मालदीव्स मॉरिशियस वियतनाम फिलिपाइंस इंडोनेशिया और बहुत सारे और छोटे छोटे ममालिक हैं जिनमें ये चीजें जो हैं वो दी जा सकती हैं लेकिन इसके साथ साथ मैंने थोड़ा सा एक एनालिसिस भी किया और ये समझने की कोशिश भी की कि क्या वाकई ही भारत जो है स्टैटिस्टिक्स क्या कहते हैं और स्टैटिस्टिक्स तो ये कहते हैं कि भारत के पास कैपेबिलिटी तो है अगर इस हवाले से देखा जाए लेकिन स्टैटिस्टिक्स अगर मैं एक्सपोर्ट्स की बात की करूं कि इंडिया कितना असला एक्सपोर्ट कर पा रहा है या कर पाएगा इसके ऊपर मैंने थोड़ी जब रिसर्च की तो एक आपको पता है कि एक थिंक टैंक है सिप्री के नाम से स्वीडन में और उसको जब मैंने रिसर्च किया तो उसने जो डाटा मेरे सामने आया उसमें ये था कि 2015 से लेके 19 तक का जो लेटेस्ट डाटा है ऑलमोस्ट 25 बड़े लार्जेस्ट एक्सपोर्टर थे आर्म्स के
और उनके क्लाइंट्स को मैंने देखा, तो इंडिया जो पहले जो दुनिया के बड़े 25 एक्सपोर्टर्स हैं उनमें से 23वें नंबर पे आता है, 23rd में। अच्छा, अगर देखा जाए 2010 से 14 में देखा जाए तो भारत की जीरो एक्सपोर्ट सिपरी शो कर रहा है, शेयर ऑफ आर्म्स एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूं जीरो है, जबकि 2015 से लेके 2019 तक जो भारत का शेयर ऑफ एक्सपोर्ट एज पर सिपरी है वो 0.2% है। ठीक है जी, सबसे पहले अमेरिका, रशिया, फिर फ्रांस, जर्मनी, चाइना पांचवें नंबर पे आता है, और चाइना को क्योंकि भारत अपना कॉम्पिटिटर लेता और उसके मुकाबले में अपनी चीजें एक्सपोर्ट करना चाह रहा है, सो पिछले 4-5 साल में जो टोटल शेयर था एक्सपोर्ट का वो चाइना का तो 5.5% था लेकिन भारत का 0.2% था। अभी कैपेबिलिटी जैसे मैंने कहा भारत के अंदर है, और वो भी मैं बताता हूं कि किस तरह पिछले कुछ सालों में भारत ने अपनी जो आर्म्स प्रोक्योरमेंट है वो कम भी की है। और पाकिस्तान के पास कुल मिला के एक चीज है, तो उसकी फौज है, उसके अलावा पाकिस्तान हैज गॉट नथिंग। दैट होल कंट्री इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, द होल कंट्री इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। उसकी फौज भी ऐसी कोई खास नहीं है, लेकिन हां उसकी फौज टेररिज्म फैला सकती है, नाक में दम कर सकती है, क्योंकि उसने टेररिस्ट पाल रखे, ये सब पाकिस्तानी फौज कर सकती है। अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, ठीक है, अब आप समझिए, अगर आपको इन दोनों को टैकल करना है तो आपके पास कई एयरक्राफ्ट कैरियर होने चाहिए, और ये डीजल इलेक्ट्रिक वाले नहीं चलेंगे, आपको न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए इंडियन नेवी के लिए, बड़े वाले, यू नीड 100,000 टन डिस्प्लेसमेंट, और उन एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर से चाहे आपके फिर F-35 उड़े या आपके रफेल उड़े, वो आपका मतलब, दैट्स योर विश, जैसा आपको मतलब ठीक लगे, लेकिन हमें वो पंच चाहिए ही चाहिए दोस्तों, वी रिक्वायर दैट पंच। अब दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि किस तरीके से अमेरिका और चाइना, जिनके बीच में काफी झड़प अभी चल रही है हर चीज पे, जियोपॉलिटिकल और मिलिट्री भी एक दूसरे को आंखें दिखा रही है, हाउ आर दे प्लेस्ड। आई हैव दिस रिसर्च इन फ्रंट ऑफ मी। आज की तारीख में चाइना के पास 355 जहाज हैं, 355, और यूएस नेवी के पास हैं 296, यानी कि चाइनीज नेवी यूएस नेवी से बड़ी है इन द नंबर ऑफ शिप्स दैट दे हैव। लेकिन ये सही डेटा सही है इन द सेंस कि ये सही एनालिसिस नहीं होगा डेटा का, अगर मैं आपको बोलूं बड़ी है। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे कि चाइनीज नेवी के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, वो 79-80,000 टन के, वो फूजियान जिसमें से लेटेस्ट है, ये चाइनीज नेवी के पास है। यूएस नेवी के पास 100,000 टन डिस्प्लेसमेंट के, यानी कि चाइनीज नेवी कहीं बड़े, चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर कहीं बड़े, न्यूक्लियर पावर्ड है उनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर, वो भी 11 चाइना के पास, और चाइना के पास न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है कोई, ये फूजियान वूजियान सब डीजल इलेक्ट्रिक टाइप के हैं, दे आर नॉट न्यूक्लियर पावर्ड एटलीस्ट, बट अमेरिका हैज 11 न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर्स, 100,000 टन डिस्प्लेसमेंट, मैसिव, ये फ्लोटिंग सिटी, एक एक अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को चलाने के लिए 6,650 लोग उस एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर, 6,650 लोग रहते हैं, वो बसे हुए हैं उसके अंदर। और न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की क्या खासियत है दोस्तों, ठीक है, लोग छुट्टी जाते हैं, छुट्टी से वापस आते हैं, लोग खाना खाते हैं ये, लेकिन जहां तक रिफ्यूलिंग की बात है, न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर जो होगा न्यूक्लियर पावर्ड, एक बार वो समुद्र में चला गया तो 15-20 साल के लिए फ्री है, फिर आपको ये नहीं देखना कि इसका तेल खत्म हो गया, तेल डलता ही नहीं उसके अंदर, इट इज पार्ट बाय यू नो न्यूक्लियर पावर, तो यू डोंट रिक्वायर इट। तो बहुत इसके फायदे हैं, और भारत को ये परस्यू करना पड़ेगा, भारत बात करे, फ्रांस मदद करे, इंग्लैंड मदद करे, अमेरिका ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करे, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भारत को यार ये बात करनी पड़ेगी कि दिस इज द प्लेस वेयर वी वांट टू स्पेंड आवर मनी, दिस इज द प्लेस वेयर वी वांट टू इन्वेस्ट। अब ये देखिए, चाइना के पास 60 सबमरीन है, 60, अमेरिका के पास है 67, लेकिन अमेरिका की जो सबमरीन हैं वो क्वालिटेटिवली बहुत अच्छी है, और उसमें न्यूक्लियर सबमरीन बहुत है अमेरिका के पास, दे हैव मैसिव नंबर ऑफ न्यूक्लियर सबमरीन, क्योंकि टेक्नोलॉजी सारी अमेरिकन की है ना ओरिजिनली, चाइना तो चोरी करके वो लीपा पोती करके वो कॉपी पेस्ट कर रहा है, चीनी माल है वो, लेकिन अमेरिकन हैव द रियल स्टफ, राइट।